सो टुडे आई एम गोइंग टू ड्रॉ दीज क्लोथ्स। तो पहले मैं जो मेल क्लोथ हैं वो ड्रॉ करने की सोच रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं ये जो क्लोथ में है एक हल्का फुल्का टेक्सचर है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो पहले मैं इसे ड्रॉ करने वाला हूँ एंड देन वी विल ड्रॉ द फीमेल ड्रेस। एंड आप देख सकते हैं इसमें हाईलाइट्स एंड शैडोज जो है काफ़ी अच्छी हैं। सो काफ़ी फन रहेगा इनको ड्रॉ करना। सो लेट्स डू इट। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आउटलाइन को रीडिफाइन करके। एंड इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक 0.3 mm की मैकेनिकल पेंसिल का। नाउ टेक्सचर एंड डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सकूरा की माइक्रोन पेंस का। एंड इसका यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फाइन डिटेल्स को ड्रॉ करने के लिए काफ़ी अच्छी हैं। एंड पेंसिल का मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इरेज हो जाएंगी ब्लेंडिंग के वक्त, हल्का सा फेड हो जाएंगी, बट ये फेड नहीं होती हैं। सो इसलिए मैं डायरेक्टली पेन का यूज कर रहा हूँ। नाउ एक ब्रश में मैं हल्का सा चारकोल पाउडर लेके इसमें एक टोन ऐड कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल व्हाइट ना लगे। एंड नाउ टी शर्ट ड्रॉ करने के लिए मैं एक ब्रश में चारकोल पाउडर ले रहा हूँ एंड इसे पूरे टी शर्ट वाले पार्ट में अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ। एंड इसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा चारकोल पाउडर लिया है क्योंकि शर्ट जो है मुझे काफ़ी डार्क चाहिए। सो इसलिए मैं ब्रश में चारकोल पाउडर लेके उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ एंड चारकोल पाउडर की ये जो लेयर है पूरी टी शर्ट में अच्छी तरह से अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ इट्स टाइम टू एड सम शैडोज, जिसके लिए एक ब्रश में मैं हल्का सा चारकोल पाउडर ले रहा हूँ एंड जहाँ भी मुझे शैडोज की रिक्वायरमेंट है वहाँ मैं चारकोल पाउडर की हेल्प से एक हल्की सी लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। एंड इसे और भी डार्कर करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक मैकेनिकल पेंसिल का एंड इन शैडोज को और डार्कर कर रहा हूँ। एंड थोड़ी सी हाइलाइट्स ड्रॉ करने के बाद मेल क्लोथ्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ फीमेल क्लोथ्स। तो मैं सेम आउटलाइन को डिफाइन करके इसे स्टार्ट कर रहा हूँ एंड इसे हल्का सा स्मूथ बनाने के लिए मैं इसे ब्रश से हल्का सा ब्लेंड कर रहा हूँ क्योंकि जो साफ आउटलाइंस हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगती हैं, इसलिए आपको उन्हें हल्का सा ब्लेंड कर लेना चाहिए। सो फीमेल क्लोथ्स में मैं ड्रॉइंग में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली इसमें शैडोज वाले पार्ट से। तो शैडोज वाले पार्ट में मैंने चारकोल पेंसिल की हेल्प से उन्हें हल्का सा डार्क कर लिया है एंड नाउ मैं इन्हें एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। नाउ एक ब्रश में मैं हल्का सा चारकोल पाउडर लेके इस पूरे ड्रेस में एक हल्की सी बेस लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। एंड मोनो जीरो रिजल्ट की हेल्प से इसमें मैं हाइलाइट्स ड्रॉ कर रहा हूँ एंड जो क्लोथ की साइन है वो ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे स्पेशली क्लोथ की ड्राइंग है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। एंड देन जहाँ मुझे ज़्यादा शैडोज चाहिए या डार्कर शैडोज चाहिए मैं वहाँ फिर से एक और लेयर अप्लाई कर रहा हूँ शेडिंग की एंड उन्हें डार्कर कर रहा हूँ।